मेरा सवाल ये था सर, आपके 40 साल पूरे हुए इंडस्ट्री में और ये कोइंसिडेंट है क्या उसका सेलिब्रेशन आप छोटा भीम के साथ कर रहे हैं? नहीं, आई डे बिफोर यस्टरडे मैंने 40 साल पूरे किए, बट तो ऐसा लगता है पलक झपकते गुजर के असली काम तो अब शुरू किया है। इतने साल तो मेहनत कर रहा था, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ काम का। ये साल जो है वो दीज आर जस्ट नंबर्स। आई फील दैट फॉर ए पर्सन, और बेस्ट चीज़ है कि हमारी एक्टिंग का कोई सिलेबस नहीं होता है। आप 90 साल की उम्र में भी अच्छी काम कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है वो काम करे। बट थैंक यू टू छोटा भीम टीम फॉर सेलिब्रेटिंग 40 ईयर्स ऑफ माई, अब मैं इसको प्रिटेंड कर सकता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए ही रखा है। तो आई एम हैप्पी टू बी स्पेंडिंग दिस 40 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन विद दिस टीम। अनुपम जी, एक सेकंड, अनुपम जी ने अपना 40th ईयर मेरे साथ सेलिब्रेट किया है एंड आई एम द हैप्पीएस्ट बिकॉज वी मेट यस्टरडे फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव ऑफ कोर्स बीन अ ह्यूज फैन। यस्टरडे वाज 25th। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन। बचपन से हम लोगों ने पिक्चर देखते देखते सभी लोग बड़े हुए हैं। आई एम श्योर एवरीबॉडी हियर इज एग्जैक्टली ऑफ द सेम सेंटिमेंट। मेरे बचपन से आपके आप अपने बचपन से लगे हुए हैं एंड वी गाइस हैव बीन देयर एंड यस्टरडे आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ हैविंग हिम एट द स्टूडियो। यू नो, एक चीज होती है, आप किसी को पर्दे पे देख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस, 1.5 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया, उसके अंदर उन्होंने गाना भी गाया, उन्होंने मेरे साथ शूट भी किया, उन्होंने गिटार भी पहनी, उन्होंने ऐसा कुछ, मुझे लगा नहीं कि मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं सालों से जानता हूँ एंड दैट इज़ वॉट इज़ ब्रिलियंट अबाउट अ पर्सन लाइक अनुपम सर, दैट आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं और उस आदमी को ऐसा लगे कि आप सालों से उनको जानते हैं। अब मेरी तो बहुत गहरी दोस्ती हो गई और आपको बहुत बहुत फंकी चीज़ देखने वाले हैं हमारे तरफ से। आई थिंक दिस सेलिब्रेशन और दिस इवेंट इज फॉर छोटा भीम। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन छोटा भीम एंड आस्क क्वेश्चंस ओनली अबाउट छोटा भीम। मैं तो हूँ ही और अगले 40 साल तक मुझे झेलना है आप लोगों को।